हाय गाइस, सो आज हम बनाएंगे डोनट्स। डोनट्स एक अमेरिकन यूरोपियन डेजर्ट है जो इंडिया में भी बहुत फेमस हो चुका है। आपने डंकिन डोनट्स, सुपर डोनट्स ऐसे बहुत टेस्टी टेस्टी डोनट्स मार्केट में खाए ही होंगे। मेरा पर्सनल फेवरेट है चॉकलेट डोनट। तो अगर आप भी बिल्कुल मार्केट जैसे डोनट्स घर में बनाना चाहते हैं, एकदम फ्लफी और एकदम डिलीशियस डोनट्स, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखिए। और मैंने इसमें बहुत सारे बेकिंग टिप्स भी दिए हैं जो आपकी बेकिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प भी करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी अगले वीडियो के बारे में भी अपने आप पता लग जाए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे गुनगुना दूध। गुनगुना दूध मतलब अगर आप इसमें अगर अपनी उंगली डिप करके देखेंगे तो आप आराम से डिप करके बाहर निकाल पाएंगे। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं चीनी। चीनी जो होती है हमारी ईस्ट का खाना होती है और इसी के बाद ही वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेड होती है फ्लफी बनती है। अब ये आपने डालनी है ईस्ट। ईस्ट आपका अच्छे ब्रांड की ही होनी चाहिए। मैं नीचे आपको कुछ ब्रांड्स बता दूंगी किसकी आप ईस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसे अब आप मिक्स कर दीजिए और ढककर रख दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद अगर वो इस तरीके से फूली नहीं है तो इसका मतलब आपकी ईस्ट ख़राब है, फिर आप उस ईस्ट को मत यूज़ करना। आइए बनाते हैं अपना डो। तो डो के लिए मैंने ये कुछ मैदा लिया है और उसे छान भी लिया है ताकि सारे लम्स भी निकल जाएं, एयर भी आ जाए। और उसमें डाला था मैंने बिल्कुल ज़रा सा नमक और ये डाल रही हूँ मैं ईस्ट वाला पानी। ईस्ट वाले पानी के साथ ही पहले आप इसे हल्का सा गूंद लें, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको और कितना पानी इसमें ऐड करना है। तो ये मैंने ईस्ट वाले पानी के साथ ही इसे हल्का सा गूंद लिया है। अब मैं धीरे धीरे करके इसमें पानी डालूंगी। एक साथ सारा पानी बिल्कुल मत डालिए क्योंकि आपका मैदा, आपका जो भी आप इसमें यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट कंपनी का, डिफरेंट टेक्सचर का होता है, तो कई बार पानी ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जो मैंने जितनी क्वांटिटी है उसे धीरे धीरे कर ही डालें। कई बार थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, कई बार थोड़ा कम भी लग सकता है। तो अब ये मैंने अपना आटा गूंद लिया है। इस आटे को कम से कम मैंने गूंदना है 5 मिनट के लिए। तो इस तरीके से एकदम क्लीन सरफेस पे मैंने इसे निकाल लिया है और इसे मैं खींच खींच कर गूंदती रहूंगी। और ये आपने याद रखना है कि आपका आटा थोड़ा सा चिपचिपा ही होना चाहिए। आप इसमें और मैदा बिल्कुल मत ऐड करना। इस तरीके से जब आप इसे गूंदते रहेंगे 5 मिनट तक, ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है मेरा आटा, थोड़ा सा लचीला भी हो चुका है। इसे मैं दबाऊंगी तो ये थोड़ा सा ऊपर भी आने लग गया है। अब इसके ऊपर डाला है मैंने ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ मक्खन। रूम टेम्परेचर मतलब बिल्कुल बाहर रखा हुआ था इस मक्खन को। अब इसको मैं इसको अंदर मिलाने की कोशिश करूंगी। ये काम भी आपका 5 मिनट के अंदर हो जाएगा और ये आपको आटे को स्ट्रेच कर करके ही करना है। इससे क्या होगा कि आपका आटा और ज़्यादा लचीला हो जाएगा। ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से इसके अंदर करने की कोशिश कर रही हूँ और 5 मिनट के बाद आपका मक्खन बिल्कुल गायब हो जाएगा। वो आपके आटे के अंदर बहुत अच्छे से चला जाएगा। ये देखिए, दबा रही हूं तो फिर से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब इस आटे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल से क्या होता है, जो हमारा आटा होता है वो ऊपर से ड्राई नहीं होता रखने के बाद। तो ये मैंने चारों तरफ लगा लिया है। अब एक बर्तन पर, बर्तन भी आपने बड़ा बर्तन लेना है क्योंकि ईस्ट से आपका आटा काफी ज्यादा फूलता है। तो बर्तन पे भी तेल लगा हुआ था। अब इसे आप एक हल्के गीले कपड़े से ढककर एक गर्म जगह पे रख दीजिए। माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अब ये देखिए, 1-1.5 घंटे के बाद मेरा आटे में कितनी अच्छे से हवा आ चुकी है, कितनी अच्छे से हवा भर चुकी है। इसे मैं बिल्कुल ध्यान से निकालूंगी। आराम आराम से मैं इसे निकाल रही हूँ और एक क्लीन सरफेस के ऊपर मैंने लगाया है मैदा। अब मैदे के ऊपर मैं रखूंगी अपना ये आटा और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मैं 1 मिनट के लिए गूंद लूंगी। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल सकते हैं अगर ये आपको ज्यादा चिपचिपा लग रहा है तो। ये मेरा आटा बिल्कुल रेडी है। अब इसे मैं थोड़ा सा और मैदा लगाकर इस तरीके से रोलिंग पिन की मदद से बेल लूंगी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ये आपको थोड़ा सा मोटा ही रखना है। 1/2 इंच आपने इसकी मोटाई रखनी ही रखनी है। देखिए हर तरफ से मैंने इसे बेल लिया है। मैं इसकी आपको मोटाई भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना मोटा आपको इसको रखना है। अब एक इस तरीके का बर्तन और एक छोटा सा बर्तन मैंने लिया है और मैं अपने डोनट्स को कट करूंगी। ऊपर से तीखा होना चाहिए आपकी कटोरी, आप जो भी बर्तन ले रहे हैं, तो उससे एकदम परफेक्ट कट्स बन जाएंगे। तो ये मेरे 4 डोनट्स इसमें से निकल आए हैं। सेंटर में मैंने ये छोटा सा ढक्कन लिया था, ये भी ऊपर से काफ़ी तीखा था, तो इसकी मदद से सेंटर में भी। और नीचे अगर आपका अच्छा खासा आटा लगा हुआ है तो ये इस तरीके से देखिए उठ भी जाएगा।
अगर नीचे ये चिपक जाएगा अगर आपका आटा, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देंगे और इसे फिर से रोल आउट करेंगे, फिर से इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे और डोनट्स बना लेंगे। अब ये मैंने बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया था और उसके ऊपर अब ये मैं अपने डोनट्स उठा लूँगी। ये देखिए नीचे अच्छे से आटा लगा हुआ था तो ये आराम से उठ भी रहे हैं। तो अब ये चारों के चारों मैंने अपनी प्लेट के ऊपर रख दिए हैं। अब इसे मैं फिर से ढक के रखूँगी थोड़ी देर के लिए, और ये ताकि ऊपर से सूखे नहीं, तो मैंने ये फिर से थोड़ा सा तेल लगा लिया है इनके ऊपर, बिल्कुल हल्का हल्का, ताकि जो इसके ऊपर की लेयर है वो ड्राई ना हो। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का मैंने इस पे तेल लगाया सारे डोनट्स के ऊपर, और नीचे भी मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल रखा है ताकि ये चिपके नहीं। अब एक बिल्कुल गीला, हल्का गीला कपड़ा मैंने इस पे ढक दिया था, और 15-20 मिनट के बाद ही देखिए मेरे डोनट्स कितने अच्छे फूल चुके हैं। तो अगर आप इसे आधा इंच पहले ही रखेंगे तो बाद में ये फूल कर और भी मोटे मोटे और बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे डोनट्स। अब आप एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, आपका तेल लो मीडियम पे ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तो बेकिंग पेपर को उठाकर ही मैंने इसके अंदर पलट दिया है अपने डोनट को, और इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से इसके ऊपर भी आपने तेल डालना है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका डोनट ऊपर से भी फूलता जाएगा। ये देखिए बिल्कुल लो पर है मेरा इस टाइम पे तेल, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लो मीडियम ही है फ्लेम, और मैं ऊपर भी तेल डालती जा रही हूँ ताकि आगे पीछे दोनों तरफ से इक्वल कलर है। तो इस तरीके से जब बिल्कुल डार्क गोल्डन कलर आ जाएगा तो तब आप इसे निकाल लीजिए एक एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर। तो ये देखिए मैंने इसे एक एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर निकाल दिया है, इतने सुंदर लग रहे हैं ना। तो आइए अब इसे डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट के लिए ये मैंने चॉकलेट पिघला ली थी, आप माइक्रोवेव में भी पिघाल सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। और इसको हम लगा देंगे इस तरीके से डोनट के ऊपर। तो ये मैंने एक रैक रख लिया है, रैक के नीचे प्लेट भी रखी है ताकि जो सॉस नीचे गिरे वो मैं दोबारा भी यूज़ कर सकूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सिर्फ आधे डोनट के ऊपर ये चॉकलेट सॉस लगाऊंगी, चारों तरफ मैंने फैला दी है। इस टाइम पे डोनट मेरा हल्का सा गर्म ही है, हल्का गर्म डोनट पे ही अगर आप डेकोरेशन करेंगे तो आपका जो चीज़ होगी उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से सूखेगी। अब ये देखिए इसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं बादाम, बिल्कुल पतले पतले मैंने बादाम कट कर लिए थे वो लगा दिए हैं। तो ये मेरा एक डोनट बनके बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा डोनट। अब ऐसे ही एक और डोनट के ऊपर मैंने वही चॉकलेट लगाई और ये मैंने डाल दिए हैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स। देखिए ये भी कितना सुंदर लग रहा है। अब एक और डोनट के ऊपर मैं डाल रही हूँ ये ग्रेटेड चॉकलेट। ग्रेटेड चॉकलेट को आप फ्रिज में ही रखें, अगर आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो डालते समय पिघलने लग जाएगी और वो अच्छे से डलेगी नहीं। तो आपने इसे फ्रिज में ही रखना है और बिल्कुल डालने के टाइम ही बाहर निकालें। तो ये भी रेडी है हमारा। अब आइए बनाते हैं बहुत ही सिंपल सा डोनट। तो ये मैंने क्या किया है, नॉर्मल घर में हमारे चॉकलेट सॉस होती ही है, ये हर्शीज की चॉकलेट सॉस है, तो ये ही मैं इसके ऊपर लगा लूंगी। कितनी सुंदर लग रही है, और इसे चम्मच की मदद से मैंने फैला लिया। बस आधे डोनट के ऊपर ही आपने ये करना है। ये हमारा डोनट एकदम रेडी। अब ये है पिसी हुई चीनी। तो अगर आप कुछ भी और नहीं करना चाहते अपने डोनट के ऊपर, तो आप बस इस तरीके से गरम गरम डोनट को, बिल्कुल हल्का गरम डोनट को आप क्या करेंगे, पिसी हुई चीनी के अंदर डाल दीजिए। तो वो आपका जो डोनट होगा हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मीठा सा हो जाएगा, और वो खाने में ऐसे भी बहुत बढ़िया लगता है। तो ये हमारा शुगर वाला डोनट रेडी है। अब इसे थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैंने ये चॉकलेट सॉस से इसके ऊपर ऐसे लाइंस बना ली हैं। तो ये कितना सुंदर लग रहा है ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एक और डोनट बनके बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने ये और चॉकलेट भी डाल दी है इसे और थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अब ये मैंने एक और डोनट के ऊपर लगाई है जाम वाली सॉस। तो ये जो मेरी टॉपिंग है, ये मैं इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत ही ईजी है सॉस बनानी और ये बहुत ही टेस्टी थी। ये स्ट्रॉबेरी मिक्स्ड फ्रूट्स का फ्लेवर दे रही थी। तो इसे भी मैंने आधे डोनट के ऊपर लगा लिया है और ऊपर से मैंने डाल दिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए कितना सुंदर बन गया है हमारा डोनट, क्यूट पिंक डोनट। अब ऐसे ही एक और डोनट के ऊपर मैंने ये जाम सॉस लगाई और ये चॉकलेट सॉस की मदद से मैं इसके ऊपर बना रही हूँ बिल्कुल हल्की हल्की लाइंस। तो ये भी बहुत सुंदर पैटर्न लगता है। ये देखिए कितना प्रिटी सा हमारा एक और डोनट बन के रेडी है।
तो ये देखिए हमारे सारे डोनट्स बनके बिल्कुल रेडी हैं और ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट हैं। इन्हें ही मैंने फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए, तो उससे इसके ऊपर की चॉकलेट और जो भी सॉस थी वो सारी की सारी सेट हो गई है। तो इसे भी आप ठंडा ठंडा या गरम गरम सर्व करिए और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।